डोंगरगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने कहर बरपा दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बम्हानी भाटा चारों तरफ से पानी से घिर गया है। यहां तक कि स्कूल में भी पानी घुस आया है। बता दें कि ये गांव चारों तरफ से नदी नाले और पहाड़ से घिरा हुआ है। यही कारण है कि स्कूल में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये दुर्ग से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ये स्कूल के आसपास का इलाका दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से यहां पानी भर चुका है। और ये जो शासकीय स्कूल है ये टापू बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये कहीं ना कहीं पहाड़ों पानी से घिरी हुई है। और लगातार जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता संध्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। संध्या, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार मॉनसून एक्टिव मोड में है, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, और ये जो तस्वीरें शासकीय स्कूल की निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें स्कूल एक तरह से टापू बनता हुआ देखा जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके से समस्या का समाधान निकाला जाएगा? जी, ये पूरा मामला राजनांदगांव जिले के शासकीय स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर की जैसा कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो है स्कूल पहुंचने के लिए किस तरीके से पानी को तैर करके स्कूल तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि जो पानी है बरसात का पूरा कक्षाओं तक पहुंच गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जिससे उनकी शिक्षा पूरी तरीके से बरसात के सीजन में ठप हो जाती है। इसको लेकर के कई बार सरकारी एवं प्रशासनिक अमलों को जानकारी भी दी गई यहाँ के रहवासियों द्वारा, लेकिन आज तक उस स्कूल जो है उपेक्षा का शिकार है। बरसात में खास करके स्कूल कई बार टापू बन चुका है, लेकिन इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। जी वही संध्या जी, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और वहाँ की अभी मौसम की स्थिति क्या है? जी, अभी भी फिलहाल दुर्ग जिले के दुर्ग संभाग की हम बात करें, राजनांदगांव में बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए रुकी है बारिश, लेकिन पानी का जो बारिश का पानी अभी भी स्कूल में भरा हुआ है और धीरे धीरे वाटर लेवल थोड़ा जैसे उतरता है तो स्थिति ठीक हो जाती है, और जैसे ही बरसात तेज होती है तो फिर से पानी भर जाता है। तो इस तरीके से जब जब बारिश हो रही है स्कूल में पानी भरता है और बच्चों की जो है पढ़ाई प्रभावित होती है, और गृहवासी और वहाँ आसपास के जो लोग हैं पानी निकालने की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन सकारात्मक पहल नहीं कर रहा है। वहीं संध्या जी, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, और मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून अभी काफी दिनों तक एक्टिव रहने वाला है, तो क्या लगता है प्रशासन को क्या कुछ अहम कदम उठाने चाहिए या ये जो स्थिति है ये कब तक सुधर सकती है? देखिए, स्थिति की हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि जब बारिश रुक जाती है वाटर लेवल नीचे उतर जाता है तो स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन कई बरसात के सीजन निकल चुके हैं, वर्षों से ये स्थिति बनती है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा एक जो ठोस व्यवस्था की जाने की है वो नहीं होती है। प्राथमिक तौर पर तो जैसे ही वाटर लेवल नीचे होता है स्कूल खुल जाता है और बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन बरसात के सीजन में जब जब हैवी बारिश होती है तब ये समस्या विकराल रूप ले लेती है और बच्चों की पढ़ाई जो है वो ठप हो जाती है। जी ठीक है संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि शासकीय स्कूल किस तरीके से टापू बनता हुआ नजर आ रहा है और स्कूल के चारों तरफ ये पानी का सैलाब आप देख सकते हैं, लगातार मॉनसून एक्टिव मोड में है और जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, माना जा रहा है कि प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई गई है, समस्या का समाधान निकालने के लिए भी कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से उच्च स्तर पर ये मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये जो बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है कब तक किसी तरह से ये लागू रहता है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि आगामी जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है आगे की स्थिति क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा।